और कुछ फार्म जो है मेरे एरिया में है जैसे कि बूंदी में है इधर से सवाई माधोपुर में है कुछ फार्म है जहाँ मैंने विजिट किया है और काफ़ी सारी कंपनीों में विजिट किया सभी अलग अलग फार्म्स को देखा है वहाँ पे उनसे सेटअप देखा जानकारी ली पर जहाँ तक मुझे लगा उनका रवैया देख के तो मुझे जो फीडबैक मिला लोगों का वो ये था कि टाइम पर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो लोगों का कॉल कोल कॉल नहीं उठाते उनको ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं जब भी अगर कोई रेविड बीमार हो रहा है और उनसे पूछते हैं तो उसको टाइम पर सोलूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं माल उठाने का टाइम आता है तो माल नहीं उठाते मतलब मैक्सिमम अगर मेरा रिसर्च जो है मतलब छः से सात महीने का जो मैंने रिसर्च किया इस फील्ड में तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक मिला वो है कि मैक्सिमम जो कंपनी जिसमें काम कर रही है रेबिट फार्म वो है फ्रॉड और आस्था रेबिट फार्म के बारे में पता किया इनके जो ऑलरेडी फार्म जो चल रहे हैं और कुछ फार्म जो ओनर की गलती से बंद भी हो चुके हैं उन उन फार्म से भी जब मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे आस्था रेबिट फार्म का जो फीडबैक मिला वो 100 परसेंट सेटिसफाइड मिला उन लोगों का यह कहना है कि चाहे मेरा फार्म बंद हुआ है रेबिट फार्म की इसमें कोई गलती नहीं उन्होंने टाइम पे फीडबैक दिया सर्विसेज प्रोवाइड की और टाइम पे माल भी उठाया है क्या कुछ किया उसके बारे में ज़रा थोड़ा को सर मैंने और भी कम से कम तीन चार कंपनी में विजिट किया है उनके ऑफिस भी जाके आया हूँ उनमें से कुछ पंजाब में हरियाणा में जहाँ भी कई लोकेटेड है वहाँ गया हूँ और कुछ फार्म जो है मेरे एरिया में है जैसे कि बूंदी में है इधर से सवाई माधोपुर में है कुछ फार्म में जहाँ मैंने विजिट किया है और काफ़ी सारी कंपनियों में विजिट किया है सभी अलग अलग फार्म्स को देखा है वहाँ पे उनसे सेटअप देखा जानकारी ली पर जहाँ तक मुझे लगा उनका रवैया देख के तो मुझे जो फीडबैक मिला लोगों का वो ये था कि टाइम पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो लोगों का कॉल नहीं उठाते उनको ठीक से सेटिसफाई नहीं कर पा रहे हैं जब भी अगर कोई रेबिट बीमार हो रहा है और उनसे पूछते हैं तो उसको टाइम पे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं माल उठाने का टाइम आता है तो माल नहीं उठाते हैं मतलब मैक्सिमम अगर मेरा रिसर्च जो है मतलब छः से सात महीने का जो मैंने रिसर्च किया इस फील्ड में तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक मिला वो है कि मैगजिमम जो कंपनी जिसमें काम कर रही है रेबिट फार्म वो है फ्रॉड बारे में पता किया और आस्था रेबिट फार्म के बारे में पता किया इनके जो ऑलरेडी फार्म जो चल रहे हैं और कुछ फार्म जो ओनर की गलती से बंद भी हो चुके हैं उन उन फार्म से भी जब मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे आस्था रेबिट फार्म का जो फीडबैक मिला वो हंड्रेड परसेंट मिला उन लोगों को कहना है कि रेबिट फार्मिंग की इसमें कोई गलती नहीं उन्होंने टाइम पर फीडबैक दिया सर्विसेज प्रोवाइड की और टाइम पर माल भी उठाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नए लोग हैं वो सब रेबिट फार्मिंग से जुड़े एक अच्छा प्रॉफिट इसमें कमाएं तो उन लोगों को नया रोज़गार मिले साथ के साथ मुझे मेरा जो खुद का टारगेट है वो है विद इन सिक्स मंथ फिफ्टी प्लस नए फार्म सेटअप करने का जो है यहाँ पे और उसमें क्या है कंपनी का प्रॉफिट है मेरा प्रॉफिट में और साथ में नए लोगों का भी प्रॉफिट है जो कि एक एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं रेबिट फार्मिंग से जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस है आज के टाइम पे। सोनू जी मैं आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देना चाहिए आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है